हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हुआ है और अभी बज रहे हैं 11 और मैं जा रही हूँ पटना क्योंकि मुझे जाना है। मुझे लगा कोई आ गया इसलिए डर गए थे, इसलिए थोड़ा सा मोबाइल साइड कर दिए थे। और मैं जा रही हूँ अपने बेटे को लेके डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवाना, कुछ जरूरी पड़ गया है इसीलिए। ये देख सकते हो, ये हो गया। कैसे सर अपना फोड़ लिया है पीछे से। तो वैसे तो कोई बात नहीं है लेकिन मन का संतुष्टि के लिए हम लोग इसे ले जा रहे हैं चेकअप के लिए। सो अभी जा रही हूँ तैयार होने, अभी नहा के आप लोगों से मिलती हूँ। और ये मेरा भाई है, छोटा वाला भाई है, बाबू से मिलने आया है, सुना है परसों ही। तो आज बड़ा वाला भाई लंबाई से नहीं, ऐसे उम्र से तो आया है ये, मतलब बाबू से मिलने कल। सो कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ लेकिन आज मैं सोची कि वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। और ये मुझे देखो दिखला रहा है कैसे बनाना है, मतलब समझा रहा है कैसे बनाना है वीडियो। मुझे ज़्यादा पता नहीं, यही है कि मुझे बताता है कैसे क्या करना होता है। सो चलो आप लोगों से मिलती हूँ। कहाँ मिलती हूँ? नहाने के बाद मिलती हूँ, ठीक है? मैं आ गई हूँ नहा कर, आप लोग देख सकते हो। सच्चे में इतना जल्दी नहा कर आ गई, क्या बात है! बहुत नहा कर आ गई मम्मी, देख लो। नहीं अभी जा रहा हूँ, एक मिनट में नहा कर आ गई, अभी गई भी नहीं। अभी ड्रेस से आप पता कर सकते हो कि मैं नहीं नहाई हूँ, अब मैं जा रही हूँ नहाने। और ये देखो नहाने वाली नहीं है, आज नहीं नहाएगी, हमको पता है। और मेरा भाई दोनों आया था बाबू से मिलने, मतलब इसको देखने। हम लोग भी अभी जा रहे हैं घर, बाय बाय। अब ये लोग भी निकलेंगे, मतलब निकलेगा, कल ही आया था तो रात को हम इसी दो कल आए थे रात में और पनीर चिल्ली खाए थे। और उधर कौन आ गया? तो फाइनली दीदी नहा कर आ गई है। अरे सच में नहा ली रे, क्या बात है। मेकअप हो रहा है इधर, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ज़्यादा नहीं तो ऐसे ही सुंदर है। अरे रिकॉर्ड कर लीजिए। तो दीदी अब हम जा रहे हैं, हम भी अब निकल रहे हैं। कितने देर में गाड़ी आ जाएगा? निकल जाएंगे तब निकलना। तो कितने देर में आ जाएगा गाड़ी? बस आधा 10-15 मिनट। ठीक है, जल्दी जल्दी तैयार हो। और हम भी जा रहे हैं अब, बाय बाय। एक बात तो हम भूल ही गए, जो भी देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जरूर से जरूर, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना? काहे कि देख लीजिए कितना मेहनत कर रही है और मेकअप कर रही है, ठीक है ना? वीडियो के लिए मेकअप कर रही है, ठीक है ना? तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है? अब जा रहे हैं हम भी, बाय बाय। बाय दीदी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे मेरा बेटा भी। कहाँ जा रहा है बेटा? पटना। कहाँ जा रहा है बोलो? पटना कहाँ जा रहा है? पटना कहाँ जा रहा है? डॉक्टर के यहाँ। ठीक, चलो बेटा। फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ और मेरा भाई भी चला गया है। सो थोड़ा सा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि बहुत मन दुखी था, मतलब मैं बाबू को लेकर, कि उसका सर में चोट लग गया है, गहरी चोट लग गई थी। तो बहुत, मतलब मैं बहुत दुख, अजीब सा मेरा मन हो रहा था। लेकिन मेरा भाई आया था तो थोड़ा सा खुश, मतलब मैं बहुत खुश हो गई थी। सो थोड़ा सा दुख कम हो गया था, लेकिन अभी वो फिर से चला गया है तो फिर अजीब सा मन हो रहा है मेरा। लेकिन चलो अभी मुझे भी निकलना है अभी पटना, क्योंकि बाबू को चेकअप करवाना है। उसको दिखा देती हूँ डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि उसको दाहिने साइड में पीछे से चोट लगा है, तो इसीलिए। वैसे तो सब लोग बोल रहे हैं कि खून निकल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी चेकअप करा लेना ज़रूरी है कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ बच्चे, मतलब अपने बेटे को पटना लेके, और उसको चेकअप करवा देती हूँ, देखती हूँ क्या कहीं कैसा है। सो जैसा होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो बस मन का संतुष्टि दूर करने जा रही हूँ, उसको दिखवा देती हूँ डॉक्टर के यहाँ। सो चलो अभी हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पे मेरा बेटा अपनी नानी से बात कर रहा है, अपनी
देख सकते हो। हरी पे अरे हुआ जाएंगे ना मम्मी देखिए लाइल गए अभी था। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग अभी पटना पहुंचने वाले हैं, कुछ देर में हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, आप लोग देख सकते हो। और अभी हैं हम लोग पटना पुल पे, जो कि अब थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। सो फ्रेंड्स हम लोग अभी पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। इस टाइम सिटी स्कैन हो चुका था, सब कुछ नॉर्मल आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। सो मैं बहुत खुश हूँ इस टाइम। अभी फ्रेंड्स हम लोग अभी है पटना में, हॉस्पिटल से जा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, घाव बदले को दिखा दिए हैं और हम लोग अभी घर के लिए निकलेंगे। और अभी है पेट्रोल पंप पर है, तो थोड़ी देर में हम लोग घर के लिए निकलने वाले हैं, मतलब अभी निकल चुके हैं, सीधे हॉस्पिटल गए थे और हॉस्पिटल में बादशाह को दिखा दिए हैं, सब कुछ नॉर्मल आया है और अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग पटना पुल पे हैं और थोड़ी सी जाम लगी थी यहाँ पे, तो अभी हम लोग वहीं पे रुके हुए हैं पुल पे ही। और आप लोग यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत व्यू है पटना पुल से गंगा मैया के नीचे, मतलब गंगा मैया में। सो बहुत ही, मतलब पानी तो बहुत कम है लेकिन व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। सो अभी हम लोग चल दिए थे फिर, और हम लोग थोड़ी देर सराय में रुक गए थे क्योंकि बाबू को भूख लगा हुआ था, तो वहीं रुक के इसको लिट्टी खिलाए थे, मतलब कुछ सामान लेना है, फल वगैरह, तो इसलिए। सो चलो आप लोगों से घर जाके मिलती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स कल वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी थक गई थी, और फिर मुझे मन ही नहीं हुआ मोबाइल उठाने का, तो सोची कि नेक्स्ट दिन अपना व्लॉग का एंड करूँगी। सो यह है नेक्स्ट दिन का वीडियो। सो कल मैं पटना गई थी और अच्छे तरीके से चेकअप हो गया है, मतलब मेरे बेटे का, वात्सल्य का, और सीटी स्कैन हुआ था, मैंने सीटी स्कैन कराया था उसका। सो सब कुछ नॉर्मल है और कुछ नहीं, बस घाव भर जाए और उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा। तो जल्दी से घाव भरने का इंतज़ार करूँगी कि जल्दी से जल्दी मेरा बेटा का घाव भर जाए। सो सीटी स्कैन में तो सब कुछ नॉर्मल निकला, तो मैं आज बहुत थोड़ा सा शांति महसूस कर रही हूँ। सो बस आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, जो कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।